नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ लिली। जंग और अमन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं भारत और पाक के बीच तनातनी। इस तनातनी के पीछे की जड़ क्या है? बात शुरू हुई थी 14 फरवरी को कश्मीर में पुलवामा हमले से, जिसमें भारत के 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए और कटघरे में था पाकिस्तान। पूरे भारत में रोष था, जवानों के शहादत का बदला लेने की अपील थी। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आए और पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ ना होने की बात कही और साथ ही अपने आप को जंग के लिए तैयार भी बताया। इस पूरे वीडियो में इमरान खान ने कहीं भी पुलवामा शहीद जवानों के लिए कोई दुख नहीं जताया। ऐसा लग रहा था मानो कि भारत की जनता के बदले की गूंज के साथ ही इमरान खान भी कांप उठे। हमले से ठीक 12 दिन बाद यानी कि 26 फरवरी को भारत ने जवाबी कार्रवाई की और भारतीय वायुसेना के 12 विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश के ठिकानों को निशाना बनाया। पूरे भारत में खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन वहीं दूसरे दिन यानी कि 27 फरवरी को पाकिस्तान की वायुसेना ने भी भारत की सीमा को पार करते हुए बम बरसाए। पाकिस्तान ने मेजर जनरल आसिफ गफूर मीडिया से रूबरू हुए और ये कहा कि हम भी जवाब देने की ताकत रखते हैं और इस बात को माना कि पाकिस्तान ने भी LOC क्रॉस की और भारत के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। और जिसके बाद गफूर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की वायुसेना के 2 पायलट उनके कब्जे में हैं, जो कि LOC का उल्लंघन करके पाकिस्तान में घुसे थे। और साथ ही यह भी कहा कि वे भारत के पायलट के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे और युद्ध को बढ़ावा नहीं देंगे। लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय पायलट के वीडियो और फोटो जारी किए, जिसमें कहीं भारतीय पायलट से पूछताछ की जा रही थी तो कहीं एक फोटो में कुछ लोग पायलट के साथ बुरी तरह से पेश आ रहे थे। और इस बात की पुष्टि पाकिस्तान ने की कि भारत का MiG-21 बाइसम का पायलट उनके कब्जे में है। कुछ देर बाद भारत सरकार ने इस बात की पुष्टि की कि भारत का MiG-21 गायब है और पायलट भी लापता है, लेकिन केवल एक, दो नहीं, जिसे बाद में पाकिस्तान ने भी माना। भारतीय पायलट अभिनंदन को जल्द लौटाने को भारत ने पाकिस्तान से कहा है और बातचीत जारी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने भारत के पायलट को लौटाने के लिए भारत के सामने शर्त रखी है और ये कहा है कि हालात सामान्य होने पर पायलट को रिहा कर दिया जाएगा। जहां एक ओर पाकिस्तान पीस और अमन की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कश्मीर में सीज फायर का उल्लंघन भी करता जा रहा है, जिस वजह से दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी है और सीमाओं पर तनाव देखने को मिल रहा है। भारत में जगह जगह अलर्ट है, वहीं पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि हम अमन चाहते हैं पर अगर जरूरत पड़ी तो युद्ध से इनकार भी नहीं। जहां एक ओर भारत पाकिस्तान को आतंक को पनाह न देने की चेतावनी दे रहा है, तो वहीं पाकिस्तान आतंक को पनाह देने की बात से इनकार करता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया पर पाक अमन और शांति की बात कर रहा है, जो बॉर्डर पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पाकिस्तान अपनी अमन की बात को पुख्ता करने के लिए भारत के पायलट को रिहा करता है या नहीं, क्योंकि यही वो मौका है जब पाकिस्तान अपने अमन के फरमान को सच साबित कर सकता है। इस वक्त के लिए मेरे साथ इतना ही और इसी खबर पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।